हेलो फ्रेंड्स, पूनम चौहान खाना खजाना में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी घेवर, तो आइए बताती हूँ कि घेवर कैसे बनाया जाता है। बहुत ही स्वादिष्ट मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। तो आइए देख लेते हैं इसे कैसे बनाएंगे। तो ये मैंने 4 चम्मच घी लिया है और इसमें अब हम ठंडा पानी डालेंगे। याद रहे कि बिल्कुल चिल्ड पानी होना चाहिए, या इसमें आइस क्यूब भी आप डाल सकते हो। और इसे अच्छी तरह से इतनी देर तक फेंटते रहेंगे जब तक कि इसका कलर वाइट ना हो जाए या क्रीमी ना हो जाए। इसे अच्छी तरह से फेंटेंगे, आप देख सकते हैं क्रीमी क्रीमी होता जा रहा है, इसका कलर भी बहुत चेंज हो गया है। और थोड़ी देर करेंगे तो कलर और भी चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना फ्लफी लग रहा है देखने में। अब ये अब क्रीमी बन चुका है। तो अब इसमें हम और थोड़ी देर ऐसे ही करेंगे, मिलाएंगे अच्छी तरह से और बनाएंगे फ्लफी से। अब इसमें हम मैदा डालना स्टार्ट करेंगे। तो हमने एक चम्मच मैदा डाली है और इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच दूध डाला है। दूध हमने इसमें कच्चा दूध लिया हुआ है और एकदम चिल्ड दूध है मेरा, ठंडा फ्रिज का रखा हुआ। तो आप ही ठंडा दूध लें, देख लीजिए इसी तरह से आपको चलाना है ये। फिर इसी तरह बार बार इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे। एक चम्मच डालेंगे, फिर मिलाएंगे, एक चम्मच डालेंगे, पानी डालेंगे, फिर थोड़ा दूध डालेंगे। इसी तरह से इसी प्रोसेस को करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली नई रेसिपी की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरे चैनल को स्किप ना करें, पूरा देखें, क्योंकि प्रोसेस बाई प्रोसेस आप देखेंगे तभी कुकिंग वाली चीज़ें अच्छी बन पाती हैं। नहीं स्किप करेंगे तो फिर कोई स्टेप छूट गया तो वो चीज़ फिर उतनी प्रॉपर नहीं बन पाती है। तो मेरे चैनल को आप देखते रहिए इसी तरह से। ऐसे आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी इस प्रोसेस को कर सकते हो। मिक्सी में भी इसी तरह से आप थोड़ा सा डालेंगे फिर चलाएंगे, थोड़ा सा डालेंगे फिर चलाएंगे, मिक्सी में भी आप इसे दोहरा सकते हो। मैंने हाथ से किया, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आप देख सकते हो। ये जितना आप टाइम लोगे, इसमें जितना टाइम दोगे, जितना इसको घुमाओगे, फ्लफी बनाओगे, स्मूथ होता जाएगा, उतना ही हमारा घेवर क्रिस्पी और जालीदार बनेगा। तो इसी तरह से हम करते जाएंगे इसको, बार 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 ऐसे ही करते जाएंगे। फ्रेंड्स देख लीजिए आप, मैं इसको ब्रीफ में दिखा रही हूँ, शॉर्ट में नहीं दिखा रही हूँ इसी वजह से, क्योंकि फिर शॉर्ट में अच्छा नहीं बन पाता है। तो देखते जाइए आप, इसी तरह से आपको बनाना है ये। और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। मैंने इसमें 100 ग्राम दूध लिया हुआ था इसके लिए और 150 ग्राम मेरी मैदा थी और 4 चम्मच घी लिया था, चिल्ड वाटर लिया था। बस ऐसे ही करते जाएंगे। अब मेरा बैटर बनने वाला है इसी तरह से, आप देख सकते हो। इसमें इतना जितना ज़्यादा आप घुमाते जाएंगे उतना ही बैटर अच्छा और स्मूथ बनता जाएगा। तो आप देख सकते हैं बैटर को। तो फ्रेंड्स, जब मेरा घेवर बनके तैयार हो जाएगा तो मैं इसमें रबड़ी की कोटिंग करूँगी। रबड़ी का लिंक आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हो, या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। मेरे चैनल का नाम है पूनम चौहान खाना खजाना, तो आप उसमें देख के आप इसमें रबड़ी बना के रबड़ी की कोटिंग भी कर सकते हैं। इससे घेवर हमारा बहुत टेस्टी और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है, खाने में 4 चांद लग जाते हैं घेवर को। तो देख लीजिए आप, इसमें थोड़ा सा दूध और जाएगा। एक एक दो दो चम्मच करके ही दूध डालना और एक एक डेढ़ डेढ़ चम्मच करके ही हमें मैदा इसमें डालते रहना है और इसी तरीके से चलाते जाना। फ्रेंड्स, आपको इसमें याद रहे कि एक साथ मैदा नहीं डालनी है, इसमें धीरे धीरे करके ही मैदा, पानी और जो हमने दूध लिया है, चिल्ड जो मिल्क लिया है, उसको भी थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है और इसी तरह से मिलाते जाएंगे। देख लीजिए मेरा बैटर ऐसे ही आपको बनाना है, ना तो ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना पतला
हो सके तो बैटर पतला हो जाए पर गाढ़ा ना रहे। इसमें हमने आधा नींबू लिया है और नींबू को निचोड़ दिया है। नींबू नींबू डालने से यह है कि जब हम घेवर बनाएंगे ना तो घेवर बने बन के आएगा तो उस वो घेवर जालीदार बनेगा हमारा। ये हमने ऑयल ले लिया है, ऑयल हमने गरम करने के लिए, रिफाइंड ऑयल है ये हमारा गरम हो चुका है अच्छे से, आप देख सकते हो। तो इसमें एक एक चम्मच करके बैटर को डालते जाएंगे। जैसे ही बैटर डालेंगे फिर झाग उसमें उठते हैं, फिर झाग बैठ जाएंगे तब उसमें दूसरी चम्मच डालनी है, दोबारा डालना है। ऐसे ही प्रोसेस को करते जाना है, झाग बैठ जाएंगे फिर से डालना है, झाग बैठ जाएंगे फिर से हमें एक चम्मच बैटर डालना है। और बीच में क्या है, छीत एक चाकू की या एक चम्मच की सहायता से इसमें बीच में छेद भी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इसको करते जाएंगे, साइड में हटाते जाएंगे बीच में से और बैटर को डालते जाएंगे। इसी प्रोसेस को करते जाएंगे और बैटर जाएगा भी इसमें, आप देख सकते हो। ध्यान रहे कि ऑयल इसमें अच्छी हीट वाला होना चाहिए, ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए। कम गर्म ऑयल में ये नहीं ना तो जाली बन पाएगी ना अच्छे से बन पाएगा। तो याद रहे कि ऑयल अच्छी तरह से आपका गर्म हो, नहीं तो घेवर बिगड़ जाएगा। इसी तरह से आप करते जाएंगे, इसी प्रोसेस को आप रिपीट करते जाएंगे। अब इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे, देख सकते हैं आप अभी कच्चा है ये, जब पक जाएगा इसे ऊपर तक से पक जाएगा तो इसे निकाल लेंगे। देख लीजिए फ्रेंड्स, तो मेरा घेवर बन गया है और क्रिस्पी बना है, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना जिससे कि घेवर का स्वाद ही चला जाए। मेरा नीचे तक से घेवर अच्छी तरह से पक गया है, क्रिस्पी हो गया है और जाली आपको दिखाई दे रही होंगी, जाली बन गई है। अब फिर से इसी प्रोसेस को करेंगे और फिर से घेवर बनाएंगे, झाग मरते जाएंगे और एक चम्मच बैटर डालते जाएंगे, झाग मरते जाएंगे और एक चम्मच बैटर डालते जाएंगे। तो फ्रेंड्स देख लीजिए आप। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें जिससे कि मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और साथ ही मुझे ये भी बताएं कि आपके लिए मुझे कौन सी नई रेसिपी बनानी है। देख सकते हैं बीच में से इसे हटाते जाएंगे चाकू की सहायता से और बैटर भी थोड़ा सा और डाल देंगे, देख सकते हो आप। इसे अच्छे से पकने देंगे इसी तरीके से, बस पकने वाला है, अब इसे निकालने की तैयारी करेंगे। देख लीजिए फ्रेंड्स, तो मैंने ये घेवर निकाल लिया, ये भी बनके हमारा तैयार हो गया है। तो अभी फ़िलहाल मैंने दो घेवर बनाए हैं, इसमें मैंने ये एक कटोरी चाशनी बना लेती हूँ। तो एक कटोरी मैंने चीनी लिया था और आधा कटोरी पानी लूँगी इसमें चाशनी के लिए। जितनी फ्रेंड्स आप जितनी चीनी लें, आप दो कटोरी चीनी ले रहे हैं तो एक कटोरी पानी डालेंगे, दो कप चीनी ले रहे हैं तो एक कप पानी डालेंगे, यानी कि हाफ़ चीनी का हाफ पानी डालेंगे आप इसमें। और इसमें एक तार की चाशनी आप बनाएंगे, तो देख लीजिए उबाल आ गया है चाशनी में और मेरी चाशनी भी अब बनने वाली। फ्रेंड्स एक तार की चाशनी तो जल्दी बन जाती है, देख लीजिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये मेरी चाशनी एक तार की बन के तैयार है और देख सकते हो आप ये चाशनी मेरी बन गई है। अब हम जो घेवर बनाया था उसमें इसकी कोटिंग करेंगे और इस आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग इसमें चाशनी लगा सकते हैं। मैंने इसमें दो छोटी छोटी चम्मच इसमें चाशनी दोनों पे डाली है
आप चाहें तो 3 डालें, 4 डालें, 1 डालें, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। चाशनी डालने के बाद में फिर हम डालेंगे इसमें रबड़ी, रबड़ी की कोटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स देख लीजिए इस तरीके से आपको करनी है। आप देख सकते हो किस तरीके से करनी है, ये देखने में बहुत ही यम्मी लगता है इस तरीके से। और इसे आप 3 से 4 दिन रख के फ्रिज में आप इसे खा सकते हो। ये ज़्यादा दिन नहीं चलता क्योंकि रबड़ी डालने के बाद में इसकी लाइफ कम हो जाती है, इसलिए आप 3 से 4 दिन ही खाएं, ज़्यादा ना खाएं, रख के। देख लीजिए फ्रेंड्स कितना यम्मी लग रहा है। इसी तरीके से आप घेवर बनाएंगे। और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरे तरीके से जो आपने घेवर बनाया था कैसा बना और आपको कैसा लगा। इस पे कुछ ड्राई फ्रूट्स और डाल लेंगे, इसको डेकोरेट कर लेंगे, दोनों को इसी तरीके से डेकोरेट कर लेंगे इसे। तो हमारा घेवर बन के तैयार है, खाने के लिए तैयार है। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।